एपिसोड 32 की स्टार्टिंग में जू अपने घर भी आ जाता है यूनी को ढूंढने, बट यूनी उसे नहीं मिलती और वो अपने कार ले निकल जाता है। तभी किसी गैरी नामक बंदे का कॉल आता है। वो बताता है यूनी अकेले निकली है, बट एक गुड न्यूज है कि यूनी की आंख रिकवर हो गई है। जू हमें थोड़ा रिलीफ दिखता है, बट अभी भी उसकी चिंता खत्म नहीं हुई थी। यहाँ ये टाइचू को हॉस्पिटल में ढूंढ रही थी, तभी वो टाइचू को कॉल करती है और टाइचू कार पे था। जहाँ वो कॉल उठाता है तो ये बोलती है, आई एम सॉरी टाइचू, जो मेरी वजह से तुम्हारी ट्रिप कैंसिल हुई। तो टाइचू से पूछ ही लेता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही, लेकिन ये के मुंह में कोई जवाब नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ जुनो लेटा हुआ था, जहाँ ये के बारे में मिस जियांग बुरा भला बोल रही थी। तो जुनो बोलता है, उसके बारे में बुरा मत बोलो, उसने मेरे लाइफ को बचाया है। मिस जियांग बोलती है, ये सब बस उसकी चाल है, बट जुनो मानने के लिए राजी नहीं था। जुनो बोलता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती? वो बोलती है, कभी भी नहीं। और यूनी मिसिंग हो गई है, तुम तो उसके बारे में बिल्कुल चिंतित भी नहीं हो। तभी देवय आकर न्यूज देता है कि यूनी चली गई है बिना कुछ लिए, और वो भी अकेले गई है। मिस जियांग तो बहुत डर जाती है और देवई को लोगों को लगाने को बोलती है यूनी को ढूंढने के लिए। इधर टाइचू और ये साथ बैठे हुए थे, जहाँ ये टाइचू को अभी भी सॉरी बोल रही थी। टाइचू बोलता है, यहाँ कोई प्यार है, बस हाँ या ना ही बोलना। ये बोलती है वो उसके साथ नहीं जा सकती। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। वो बोलता है कि मैं ऐसे लाइफ को जीता था जहाँ मैं किसी के लिए भी नहीं रुकता, पर तुम्हारे मिलने के बाद मैं पजेसिव हो गया। तो ये बोलती है कि उसे कभी कभी समझ ही नहीं आता कि वो क्या सोच रही है, बट तुम मुझे हमेशा समझते हो। टाइचू से बोलता है अब उसके पास करने को कुछ बचा ही नहीं, तो ये बोलती है सॉरी। वो बोलता है कोई नहीं। टाइचू बता देता है कि उसी ने ही तोंग हाओ की आइडेंटिटी जो को बताया था। तो ये बोलती है कि वो जानता था। वो बोलता है वो कोई तरह का सस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें याद है वो क्लासमेट पार्टी? तो ये बोलती है वो तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में था ना। तो टाइचू बोलता है कि उस दिन वो जल्दी आ गया था उसे सरप्राइज करने के लिए, पर वो बहुत लेट हो चुका था। ये इस बात पे ज्यादा रिएक्ट तो नहीं करती। तो टाइचू बोलता है, बट तांग हाओ के जाने के बाद तुम लोग दोनों फिर से मिल गए, मैंने सोचा कि यही फेथ है। वो बोलता है कि चलो तुम्हें छोड़ देता हूं। वो मना करती है, तो टाइचू बोलता है वो उसे एक बार लास्ट ड्राइव देना चाहता है। यार रात हो चुकी थी, जू अभी भी पागलों की तरह यूनी को ही ढूंढ रहा था। ये दोनों भी घर पहुंचते हैं तो ये बोलती है टाइचू तुम चले तो नहीं जाओगे ना? तो टाइचू बोलता है नहीं, अभी मुझे तुम्हारे लिए वानमे को बेहतर बनाना है। टाइचू बोलता है ये मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, और वो कोई जवाब तो नहीं देती, बट फिर भी वो उसे हक कर लेता है और गुड बाय हक करके वहाँ से चला जाता है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। जहाँ ये के अंदर जाते ही मामा जिन जिससे सवालों की ही बौछार करने लगती है, बट वो कोई सवालों के जवाब नहीं देती। यहाँ टाइचू अपने कार को एक जगह में रोक बहुत ज्यादा रोने लगता है। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। यहाँ देवई और मिस जियांग मेंशन पहुँचते हैं, जहाँ उसे यूनी की वेल मिलती है, वो स्कार्प मिलता है, जिसे देख वो लोग यूनी को मेंशन में ढूंढने लगते हैं। तभी मिसेस लिन वहाँ आ बताती है कि वो तो यहाँ आई ही नहीं। तो मिस जियांग देवई को कॉल करने को बोलती है। यहाँ मामा जिंजी ये को जम के डांट लगा रही थी कि इतने अच्छे लड़के को हाथ से क्यों जाने दे दिया। ये बोलती है कि वो एक्चुअली उनके लिए आई है क्योंकि उसको अपने डैड के कर्जे को भरना है। तो मामा जिंजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। मामा जिंजी उसको समझाने की कोशिश करती है कि जुनो के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं है। ये बोलती है कि मॉम आप मुझे ब्लेम कर रहे हो? वो बोलती है काश मैं कर पाती, बट मैं नहीं कर सकती। ये तुम डिफिकल्टीज के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो सेंगजे बोलता है बेचारा टाइचू। मामा जिंजी बोलती है उससे उम्मीद है कि वो जल्द ही किसी को जरूर ढूंढ लेगा। यहाँ जू घर पहुँचता है, जहाँ उसे मिस जियांग से पता चलता है कि यूनी आई थी बट चली गई। मिस लिन बोलती है वो पूरे दिन अंदर थी, बाहर गई ही नहीं थी। तो मिस जियांग बोलती है तो वो आई थी तो यहाँ क्यों नहीं रही। जू उन सब पे भड़कने लगता है कि यूनी की किसी को भी परवाह नहीं है, और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। तो मिस जियांग बोलती है इसे हुआ क्या है, ये मुझे ऐसा एटीट्यूड कभी भी नहीं देता था। तो मिस लिन बोलती है शायद उन्हें यूनी की बहुत ज्यादा परवाह है, पर आप शांत हो जाइए। यहाँ मिस जियांग का दिल तो बैठने लगा था कि ऐसे सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। तो मिस लिन उसे संभालती है। यहाँ जुनो और दवई में बात हो रही थी कि आज जो हमला हुआ वो प्रिपरेशन का ही भाग था, जिसे जुनो बोलता है
है कि वो जो भी है वो उसे टारगेट कर रहा है। तो देवई बोलता है लेकिन सारी प्रिपरेशन सैनवेल के लोगों ने ही की थी, कोई ऐसा नहीं करेगा। तो जुनो बोलता है कोई तो है जो सीक्रेटली और पोलाइटली सब कुछ कर रहा है। जुनो बोलता है कि सबको माजरा मत बताना, बस बोलना कि ये एक एक्सीडेंट था। तो दवाई बोलता है उन्होंने सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करना चालू भी कर दिया है। तो दवाई बताता है यूनी अभी तक नहीं मिली और वो आज पागलों की तरह सड़कों में घूम रही थी। वो बोलता है वो पुलिस को कॉल कर देगा तलाशी के लिए और दवाई उन्हें रेस्ट करने को बोल चला जाता है। यहाँ जू कार में पूरी शहर की तलाशी करने में तुला हुआ था कि यूनी कहाँ है, लेकिन यूनी चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँच गई थी जहाँ एक लड़की गाना गा रही थी और सारे गाना सुन चले जाते हैं, बट यूनी वहीं बैठी हुई रह जाती है। तो वहाँ एक दो नशेड़ी आके यूनी को छेड़ने लगते हैं, तो वो लड़की उसे उनसे बचाती है और उसे रात में अकेले रहने को मना करती है और घर जाने को बोलती है। यूनी बोलती है मैं होमलेस हूँ, तो बोलती है कि कुछ फ्रेंड्स को कॉल करो वो आ जाएंगे। यूनी बोलती है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो लड़की बोलती है तुम्हें इस ड्रेस में देख ऐसा लग रहा है कि तुम हैरेस्ट हो चुकी हो, तुम मेरे जगह जाना चाहोगी, वो नजदीक में ही है, चलो कपड़े बदल लेना और कुछ खा भी लेना। वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। यूनी अब उसके घर में थी और उसके ड्रेस में भी थी, तो वो लड़की उसे खाना लाकर देती है और उसका नाम पूछती है। तो यूनी अपना नाम बताती है, वो बोलती है ये तो अच्छा नेम है। वो बोलती है कि मेरा नाम शाओगे है जो मैंने खुद ही रखा है। यूनी बोलती है खुद से रखा है, तो पेरेंट्स ने कौन सा रखा है? वो बोलती है उसके पेरेंट्स नहीं है। वो बताती है जब वो 3 साल की थी मैं ऑर्फेनेज में रहने चली गई थी, उधर के डायरेक्टर ने मुझे रखा, मैं छोटी और स्किनी थी सो मैं खुद को शाओ शाओ बोलती थी, मैं ज्यादा प्रिटी नहीं थी तो किसी ने भी मुझे अडॉप्ट नहीं किया। जब मैं 16 की हुई तो मैं खुद से रहने के लिए वहाँ से चली गई। यूनी बोलती है तो तुम अपनी पेरेंट्स से नफरत करती होगी जिन्होंने तुम्हें अनाथ किया। शाओ बोलती है बट इसके लिए क्योंकि उन्होंने मेरा टेस्ट नहीं लिया, वो उनसे नफरत नहीं करती, आफ्टर ऑल उन्होंने उसको एक लाइफ दी है, इससे कम से कम मैं सनशाइन को एंजॉय कर सकती हूँ और हैप्पीली गा सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे ये लाइफ दी। तुम अपना बताओ तुम अपने घर से क्यों भागाई और वो भी वेडिंग ड्रेस में? यूनी बोलती है एक्चुअली उसके पेरेंट्स ने भी उसे अनाथ कर दिया जब वो 6 साल की थी, मेरे मॉम ने मुझे विला के बाहर रखवा दिया था, एक कपल्स थे जिन्होंने मुझे गोद लिया जो बहुत अच्छे थे और हमेशा चाहते थे कि मैं उनके बेटे से ही शादी करूं। मैं सोचती हूं कि क्या मैं शादी से खुश हूं और मैं इसका उल्टा करूं तो मैं बस शादी को करना चाहती हूं। वो और किसी को पसंद करता है और वैसे भी उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। शाओ बोलती है तुम लकी हो। यूनी बोलती है मैं लकी हूँ। वो बोलती है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अमीर घर के बाहर छोड़ा कि तुम अच्छी लाइफ जी सको और इन कपल ने तुम्हें गोद लिया, ये दिखाता है उनका काइंड हार्ट कि उन्होंने तुम्हें एक घर दिया। शाओ बोलती है कि अब उसे उस आदमी को छोड़ एक नए आदमी के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत करनी चाहिए। यूनी बोलती है पर वो उससे प्यार करा करती थी, उसने उसे वादा किया था कि वो उसे शादी करेगा बट उसने भी उसे अनाथ कर दिया जैसे उसके पेरेंट्स ने किया था, मैं पैदा ही अनाथ हुई थी, ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। शाओ बोलती है जब इन लोगों को अनाथ कर ही दिया गया है और वो लोग अडल्ट है तो उन्हें खुद को अनाथ नहीं समझना चाहिए। वो उसे समझाती है कि वो प्यार नहीं था। यहाँ जू जुनो के पास आता है, जुनो बोलता है यूनी मिली, तो जू बोलता है तुमने यूनी का दिल तोड़ा और मुझे डिसअपॉइंट किया। तो जुनो बोलता है सॉरी जो मैंने उसको हर्ट किया। जू बोलता है तुम्हें पता है वो तुम्हें किस कदर प्यार किया करती थी। जुनो बोलता है कि पता है बट अब मुझे रियलाइज हो गया है कि वो कोई प्यार नहीं था, मेरा बस फैमिली अफेक्शन है। तो जू बोलता है अरे तुम तो बहुत मतलबी हो यार, यूनी तुम्हारे लिए खिलौना थी क्या? जब चाहा खेल लिया और जब चाहा तोड़ दिया, जो तुम उसे फैमिली अफेक्शन बोल रहे हो। जुनो बोलता है मैं वो नहीं बोल रहा जो तुम समझ रहे हो। जू बोलता है यूनी डिसअपीयर है, तुम्हें उसकी कोई भी चिंता नहीं है, वो कहां गई किसी को पता नहीं है, तुम्हारे फैमिली में से किसी ने भी उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। जुनो बोलता है वो एक्सीडेंट सडनली हुआ, उसका इरादा नहीं था उसको इग्नोर करने का। तो जू उसे धमकियां देते हुए बोलता है अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें जुर्माना भरना होगा। जू से धमका चला जाता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली मौत से जुर्माना भरोगे। यहाँ यूनी को तो नींद ही नहीं आ रही थी, यहाँ मिस यांग बहुत उदास थी, जहाँ मिस लिन उन्हें सैड होने से मना करती है क्योंकि वो लोग यूनी को जरूर ढूंढेंगे। यहाँ ये जुनो के लिए सूप लाई थी, वो उसे पूछती है कि डायरेक्टर फैन मिली? वो बोलता है चिंता मत करो मिल जाएगी, और इन दोनों को साथ देख मिस यांग वहां से चली जाती है। यहाँ जू को गैरी का कॉल आता है बट गैरी को कुछ भी पता नहीं चला था, तभी जू के मगज में गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ ये
जैसे जुनहो के वीआईपी रूम से निकलती है वो मिस जियांग को देखती है। मिस जियांग उसे अपने साथ चलने को बोलती है तो मिस जियांग बोलती है कि जुनहो इंजर्ड है और यूनी लापता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। वो कुछ बोलती कि मिस जियांग बोलती है यूनी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, चाहे उनकी शादी कम्प्लीट नहीं हुई है बट वो ही मेरी बहू है। मिस जियांग ये को ये बोल चली जाती है अगर जुनहो से सच्चा प्यार करती हो तो उसे छोड़ दो। तो ये बड़ी गहरी सोच में चली जाती है। यहाँ मिस जियांग जुनहो से पूछती है क्या खाना चाहते हो, वो मिस लिन बना देंगी। तभी इधर दवाई आता है और वो उन्हें बताता है कि अभी भी यूनी का कोई पता नहीं है। मिस जियांग जुनहो से सिफारिश करती है कि वो यूनी को अपना ले क्योंकि वो तो जानता ही है कि वो दोनों साथ बड़े हुए हैं, अगर वो तुम्हारी वाइफ ना बने तो वो तुम्हारी बहन जैसी हो जाएगी। वो बोलता है वो उसे ढूंढ लेगा। जहाँ मिस जियांग बोलती है देखो जब से यूनी घूमी है जू बिल्कुल बदल सा गया है, मुझे पता है वो हमें जिम्मेदार समझ रहा होगा, मुझे समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हारे डैड को खो दिया, अब मैं और कुछ खोना नहीं चाहती। यहाँ ये लोग डिनर कर रहे थे जहाँ मिस तांग बोलते हैं उन्हें ये को कुछ बोलना है, अगर उसने फैसला बदल लिया है और उसने सैलमेल में भी जॉब छोड़ दिया है तो क्यों ना वो गुआन में इनकी चार्ज बन जाए, वो बूढ़े हो गए हैं, मैनेजमेंट में इतना खासा नॉलेज ना होने के कारण वो उसे उसकी काबिलियत देखते हुए उसे ये जॉब लेने को बोलते हैं। वो बोलती है विदाउट टांग आओ तो नहीं होगा। तो तांग बोलते हैं जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने ही हेल्प की थी और फैंग सैंग और मास्टर तो है ही, उन्हें उम्मीद है कि वो अच्छा करेगी। वो बोलती है कि पर ग्रोसरी स्टोर, तो तांग बोलता है कि वो चला लेगा, जहां ये मान जाती है। यहां इनकी हंसी मजाक जारी थी जहां जू शे के पास आधी रात को मिलने आया था। तो शे बोलता है कोई जूसी न्यूज है क्या, जो उसने उसे यहां बुलाया, तो वो उसे वही सारी पेपर्स देता है जो उसकी पापा वाली थी। यहां जुनहो धड़पण में हॉस्पिटल से यूनी को खोजने के लिए बाहर जाने लगता है। यहां वो निकलता ही है कि सारे रिपोर्टर्स जुनहो से सवाल करने लगते हैं जो मर्डर से जुड़ी हुई थी मिसेस सान को लेकर। जहां जुनहो को ज्यादा पता ना होने पर वो अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन नहीं देता और चला जाता है। और यहां जुनहो भी न्यूज देख रहा था जहां कहा जा रहा था कि मिस्टर शान यांगलाओ ने मिसेस जू और उसकी बीवी को मार दिया शेयर्स की वजह से। यहां जुनहो मिस जियांग को भी ये न्यूज दिखाता है तो जुनहो पूछता है क्या ये सच है। मिस जियांग बोलती है ट्रस्ट मी तुम्हारे फादर ऐसे इंसान नहीं है। तो जुनहो बोलता है ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो मिस जियांग बोलती है उन्हें नहीं पता क्योंकि वो लोग जब बच्चे थे तब वो उन्हीं पे ध्यान रखा करती थी और उन्हें कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बताती है कि एक बार मिस्टर शान ने उन्हें बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मिसेस जू ने खुद क्विट किया था। तो जुनहो बोलता है रिकॉर्डिंग में तो डैड फोर्स कर रहे थे। तो मिस जियांग बोलती है वो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये कोई गलत फहमी है। जुनहो बोलता है वो सच ढूंढ निकालेगा। तभी दवाई का कॉल आता है जो बताता है कि जुनहो से कोई मिलना चाहता है जो बोल रहा है कि वो उसका डैड का असिस्टेंट है। और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस एपिसोड।